नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने होंगे और कितने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और वाइवा होगा और कौन कौन से सब्जेक्ट का कितने कितने नंबर का प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल हमें 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है जो आप देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहला नंबर पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो है कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाएंगे। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स मिलाकर टोटल 100 नंबर का एग्जाम कराए जाएंगे, जिसमें आपका 50 नंबर का एक्सटर्नल होगा और 50 नंबर का इंटरनल होगा। और दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में आपको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने होंगे, जिसमें चैप्टर 1 है आपका डिफिनीशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर 2 है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस, चैप्टर 3 है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर 4 है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, चैप्टर 5 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, चैप्टर 6 है ग्रामर, चैप्टर 7 है रीडिंग स्किल, चैप्टर 8 है राइटिंग स्किल। तो दोस्तों, ये इतने सब्जेक्ट आपको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट में पढ़ने होंगे जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। इसमें आपका ओनली रिटेन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है और 20 नंबर आपको कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर 70 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपको टोटल 22 चैप्टर पढ़ने होंगे जो 5 खंडों में डिवाइड किया गया है। खंड ए में आपका बीजगणित फर्स्ट होगा, जिसमें 4 चैप्टर पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है। पहला समांतर श्रेणी, दूसरा गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा द्विपद प्रमेय, चैप्टर 4 सारणिक। और खंड बी में आपका सदिश बीजगणित सेकंड होगा, जिसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है जो आप देख सकते हैं। जिसमें चैप्टर 1 है आपका सदिशों का योग, अंतर एवं वियोजन, चैप्टर 2 है आपका दो सदिशों का अदिश या गुणन, चैप्टर 3 है आपका सदिश या वज्रगुणन, चैप्टर 5 सदिश त्रिगुणनफल, चैप्टर 6 सम्मिश्र संख्याएं, चैप्टर 7 डी मोयर का प्रमेय और खंड सी में आपका त्रिकोणमिति होगा, जिसमें आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है आप देख सकते हैं। जिसमें चैप्टर 1 है आपका त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध, चैप्टर 2 है आपका प्रतिबिंब वृत्ति फलन। नेक्स्ट, खंड डी में आपका अवकल गणित फर्स्ट होगा, जिसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है। चैप्टर 1 फलन, चैप्टर 2 सीमा, चैप्टर 3 सतता एवं अवकलनीयता, चैप्टर 4 आपका इसमें होगा प्रारंभिक अवकलन। और खंड ई में आपका अवकल गणित सेकंड होगा, जिसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है जो आप देख सकते हैं। जिसमें चैप्टर 1 है आपका उत्तरोत्तर अवकलन, चैप्टर 2 अवकलन के सरल उपयोग, चैप्टर 3 स्पर्श रेखा तथा विलंब, चैप्टर 4 वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, चैप्टर 5 उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। तो ये आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में 5 खंड होंगे जिनमें आपको टोटल मिलाकर 22 चैप्टर पढ़ने होंगे। नेक्स्ट, तीसरा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। इसमें आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होगा और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाएंगे। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और इसमें आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है जो आप देख सकते हैं। जिसमें चैप्टर 1 है आपका मात्रक के विमाएं, चैप्टर 2 है आपका बल एवं गति, चैप्टर 3 है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, चैप्टर 4 घूर्णन गति, चैप्टर 5 ग्रहों एवं उपग्रहों की गतियां, चैप्टर 6 द्रव्य गुणन, चैप्टर 7 ऊष्मा एवं गतिकी। तो ये 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में। नेक्स्ट, चौथा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें भी आपका प्रैक्टिकल, वाइवा और रिटेन एग्जाम तीनों कराए जाते हैं, जिसमें आपका 50 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको वाइवा और कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। और इसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है जो आप देख सकते हैं। जिसमें चैप्टर 1 है आपका परमाणु संरचना, आवर्त सारणी तथा रासायनिक आवंधन, चैप्टर 2 है आपका ईंधन एवं स्नेहक, चैप्टर 3 उपचार, चैप्टर 4 वैद्युत रसायन, चैप्टर 5 संचारण एवं उनका नियंत्रण, चैप्टर 6 कार्बनिक यौगिक बहुलक के प्लास्टिक। तो ये 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में। नेक्स्ट, पांचवा सब्जेक्ट जो हमारा है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इसे शॉर्टकट में ईडी फर्स्ट भी कहते हैं। इसमें आपका केवल रिटेन एग्जाम होता है, इसमें कोई प्रैक्टिकल वाइवा नहीं कराए जाते हैं। इसमें आपका 60 नंबर का रिटेन एग्जाम होता है, जिसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 20 नंबर लाने होंगे और 40 नंबर आपको कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं। यानी कि टोटल आपका इसमें 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। ईडी फर्स्ट में आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है। जिसमें चैप्टर 1 है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग परिचय रेखाएं तथा आरक्षण, चैप्टर 2 है आपका इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाली सरल ज्यामिति
संरचनाएं तथा वक्र, चैप्टर 3 बीमाएं दर्शाना, चैप्टर 4 मापनी, चैप्टर 5 प्रक्षेप का सिद्धांत एवं लंबकोणी प्रक्षेप, चैप्टर 6 बिंदुओं के प्रक्षेप, चैप्टर 7 सरल रेखाओं के प्रक्षेप, चैप्टर 8 तलों के प्रक्षेप, चैप्टर 9 सतहों की पहचान, चैप्टर 10 ठोसों की पहचान, चैप्टर 11 वस्तुओं के काट दृश्य प्रच्छेद एवं निरूपण, चैप्टर 12 सम परिमाण प्रक्षेप, चैप्टर 13 चिन्ह तथा रूढ़ियाँ, चैप्टर 14 ऑटो कैड। तो ये टोटल आपको 14 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें आपका 50 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है और 30 नंबर आपको कॉलेज के थ्रू दिए जाते हैं, यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। इसमें आपको टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे जिनका नाम कुछ इस प्रकार दिया गया है जो आप देख सकते हैं, जिसमें चैप्टर 1 है आपका भवन निर्माण, चैप्टर 2 है ईट एव टाइल्स, चैप्टर 3 सीमेंट, चैप्टर 4 प्रकाष्ठ एवं प्रकाष्ठ के उत्पाद, चैप्टर 5 पेंट डिस्टेम्पर एवं वर्निश, चैप्टर 6 मिससेलेनियस मटेरियल्स, चैप्टर 7 प्लास्टिक। नेक्स्ट और लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा है वो है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट। इसमें आपको क्या कराए जाते हैं, इसमें आपको वर्कशॉप में जाके प्रैक्टिकल करना होता है, इसमें आपका केवल प्रैक्टिकल वाइवा होता है, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं कराए जाते हैं, जिसमें आपका 60 नंबर का वाइवा होता है, 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, यानी कि टोटल आपका इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम कराए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस रिव्यू के बारे में वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।